नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर और जामा मस्जिद से लेकर जो है वो जंतर मंतर की ओर जो जत्था जो चला था सीएबी के खिलाफ जो चला है, वहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी चीफ को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। वो आप देख सकेंगे यहाँ जंतर मंतर पर भी जो है भारी संख्या में जो है लोग मौजूद हैं और वो यहाँ पर कड़ा विरोध जो है वो इस संशोधन का नागरिकता बिल जो पास किया है उसका विरोध जो है वो यहाँ कड़े रूप में किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो उनको रोकने की कोशिश कर रही है, मगर जो प्रदर्शनकारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और गिरफ्तारी यहाँ पर जो है वो हो सकती है। फैला रही है, ये बिल्कुल ही दलित पिछड़े मुसलमान इसको बिल्कुल भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। कीमत पर तो कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया, देखो पुलिस गिरफ्तार कर रही है, किसी भी कीमत पर ऐसे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारियों को जो है पुलिस गिरफ्तार कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि जबरन जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सीए कानून इस देश के हिंदू मुसलमान को बंटवारे का कानून है, हम लोग ऐसे कानून को ब्लैक कानून को रिजेक्ट करते हैं, कंडम करते हैं। अमित शाह अपने इस कानून को वापस ले, वो तड़ीपार खुद जो तड़ीपार रहा हो वो क्यों ब्लैक कानून बना रहा हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल देखिए।